और सारे स्टूडेंटों, मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम, मेरे हिंदू भाइयों को प्रणाम और मेरे क्रिश्चियन भाइयों को हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का मेरा टॉपिक है कि हालात बहुत खराब हैं, गोरे मुख को जरा लश्काओ तो सही, पतले लक को जरा हिलाओ तो सही, परवाना खुद आ जाएगा आपके पास दबंग करके, थोड़ी सी शर्म जलाओ तो सही। सोचते हो बहुत अमन है पख्तूनख्वा में, कभी खुशबू लगाकर मर्दान जाओ तो सही। टॉपिक की तरफ, आज सब ये कहते हैं मैं बलोची तू सिंधी, मैं पठान तू पंजाबी, मैं बलोची तू सिंधी तू पठान मैं पंजाबी, ना होती ये लड़कियां तो क्या होता, तू पठान तू पठान तू पठान तू पठान 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 हर सिंध है पठान, ना होती ये लड़कियां तो होता सिर्फ पठान, पठान 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 हर रांझे की है शान, ना शब्द के है खान, खुशहाल डायमंड मल्टी फॉर्म लड़के आपसे दूर रहने पर मजबूर। आप हम आते हैं हालात की तानी, आज वो पहले वाले हालात नहीं रहे। पहले आशिकों को लड़कियों को मनाने में 15-15 साल लग जाते थे, और एंड में क्या होता था कि उसी लड़की की शादी पर कुर्सियां जोर रहे हैं और रो रहे हैं। पहली दुल्हने तो पहले भंगत नहीं उठाती थी, मोहल्ले वाली दरखास्त लाती थी, बहन तेरी बड़ी मेहरबानी की उम्र उठा ले। पहले इनको परवाह नहीं होती थी, पहले लड़कियों को देखने के लिए उनको काफी मीलों दूर जाना पड़ता था, चाहे पीछे से दूल्हा फोत हो जाए उनको इसकी परवाह नहीं थी। और आजकल की लड़कियां जो आप मैरिज ब्यूरो में चले जाए, जो सबसे ज्यादा तोहफे झपट रही होगी या सबसे ज्यादा इनवेलप ले रही होगी वही दुल्हन होगी। और आज का देख ले आप दूल्हा, पहले तो दूल्हा नजर आता था वो गोरा आ रहा, दूल्हा आ रहा है माशाल्लाह, ब्रोकर की शेरवानी है, काले घोड़े पे बैठा है, है कुल्ला डाला हुआ है, सर पे आधा आधा किलो तेल लगा हुआ है सरसों का, पूरा मोहल्ला कह रहा है इधर आ यासिन मेरे पास तेल कम है, उसके तेल से लगा के लगाई जा रहा है, छोटी सी मूंछ हिटलर कर जैसे किसी गरीब ने तनख्वाह लेने के बाद अंगूठा लगाया हो। और आज का दूल्हा माशाल्लाह बताया जाए, अल्लाह इतना प्यारा दूल्हा कहां से आया, और नहीं नहीं बहन वो दूल्हा नहीं, वो तो रिजवान बात है, उसके पीछे जो खड़ा ना वो काला सत्ते के बकरे जैसा वो दूल्हा, अल्लाह इतना काला कहां से लिया बहन। और बस बहन क्या बताए, वेस्ट इंडीज से 4-5 खिलाड़ी आए थे, उनका सामान रह गया तो उसमें से निकला। और मेरा एक और मुराद है, आजकल के हालात वाकई बहुत खराब है कि आजकल हर बंदा अपनी उर्दू में अंग्रेजी को शामिल करता है। जी जी आप बिल्कुल ठीक समझे, मेरी मुराद बर्गर फैमिली से है। आप देखें कल मैं एक शादी में गया, उधर एक आंटी लगी हुई है, अल्लाह कल हम शमीन्स की शादी पर गए, वहां पर इतने तंबूस नाच रोटियां, और ऐसी औरतें अपने शोहर को बाहर से बुलाना होना तो वेटर को कहेंगी ए वेटर्स बात सुने बाहर मेरे तरह शोहर होंगे। गांधी और कायदादा में, कायदादा माशाल्लाह कद्दावर शख्सियत, ऊंचे लंबे जवान हैं, टोपी टोपी पहनी हुई, और गांधी को देखें, गांधी की सेहत देख के तो ऐसा लगता था ना उसे खाने पीने का शौक था ना पहनने का, वो तो ऐसे किसी ने आंधी आई थी उसे ढक दिया था उसने। और आजकल क्या देखें, कुत्ते माशाल्लाह, अमेरिका जाए अमेरिका में कुत्ते देखें, काली चेन काला रंग कुत्ते का चमकाया हुआ, सोने की चेन कानों में बालियां, जो कुत्ता ला रहा है वो कुत्ता लग रहा है, कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा। और लाहौर का कुत्ता किसी भी होटल में बैठने जाए, नीचे खाना खाने लगे हो, नीचे कुत्ता बैठा होता है, आदमी उसे जोर से टांग मारता है, कुत्ता गौर से देखता है, यार कुत्ता तो मैं हूं हरकतें ये कर रहा है।
की लड़कियां देखे आप क्या करती है जी के पूछती है जी रक्षे वाले के पास जाके अस्सलाम वालेकुम भाई भाई ये जरा लिबर्टी मार्केट तक जाना है तो कितने पैसे बाजी 200 रुपया भाई ये गल तो सुनो क्या यार और माशाल्लाह मैं एक भाई को देख के इतना इंप्रेस हूं कि अब मेरा दिल कर रहा है मैं अपने एक जो फिल्म थी उसका नाम बदल दूं अपने शिरोज भाई इनकी सेहत देख के जो एक फिल्म आई थी पर्दे में रहने दो मैं आपको उसे चेंज करके कहने लगा हूँ जर्दे में रहने दो